काला मेरा काला है सरदार, गोरियन दफा करो मेरा लाल लाल है अचार, अंदर आओ ते सही। अरे मैं काम नहीं करना कमाना खाना से जय जीवदानी करते हुए आज आपको बता रही हूँ कि कैसे पकता है लाहौरी अचार पंजाब दा। थोड़ा सा फील देने के लिए मैंने सूट पहना है बड़ा चटकदार पंजाबियों वाला, और आप लोगों को कमाना खाना में आता रहे मजा, इसलिए मैंने गाना भी गाते सुनाया आपको, जल्दी जल्दी पंजाबी गाना। आपको पता है ना अमृतसर में थी 9 साल के लिए और मैंने बहुत सारे अचार सीखे थे वहां के, तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो अचार, उसका नाम है सर्दियों वाला, उसका नाम है चटकदार, उसका नाम है खट्टा मीठा, जी नहीं उसका नाम है लाहौरी अचार पंजाब दा। और लाहौरी अचार आज आपको सिखाऊंगी फटाफट, तो चलिए आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। लाहौरी अचार बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है कटी हुई सब्जी, ये गाजर कुछ इस प्रकार से काटी है मैंने। अब एक बात ध्यान में रखिए कि गाजर मैंने बाजार से लाई, सब्जियां मैंने बाजार से लाई, उनको मैंने पहले धो लिया अच्छे से, और धोने के बाद मैंने उनको पोंछ लिया, पोंछने के बाद मैंने उनको काटा, उनको थोड़ी देर धूप में रखा, उनको थोड़ी देर हवा में रखा, कपड़े के ऊपर रखा, और अब ये तैयार है अचार बनने के लिए। तो आपने देखी किस शेप में मैंने गाजर काटी है, आप अपनी शेप दूसरी भी रख सकते हैं गाजर की। इसके साथ है ये मूलियां, मूलियों के भी इस तरह से टुकड़े कर दिए मैंने। फिर ये है फूल गोभी, फूल गोभी के कुछ इस प्रकार से टुकड़े किए हैं मैंने। इसकी डंडियां रखना जरूरी होता है जो के कुछ इस तरह से नजर आएंगी। और ये है शलगम, तो शलगम बाजार में सभी को नहीं मिलता, शलगम कहीं कहीं मिलता है, बॉम्बे में इस समय उपलब्ध है, तो ये है शलगम। तो हमने क्या क्या डाला, हमने डाला गाजर, हमने डाली मूली, हमने डाली फूल गोभी, हमने डाला शलगम। अब देखते हैं कि और क्या लग रहा है। लाहौरी अचार बनाने के लिए ये 50 ग्राम गुड़, कटी हुई अदरक, तकरीबन 100 ग्राम के करीब पीसी हुई पीली राई, पीसा हुआ लहसुन, अब लहसुन को भी मैंने धो के पोंछ के उसके बाद हाथ से कूटा था, क्योंकि मिक्सर में कूटेंगे तो उसके अंदर पानी डालना पड़ता है और अचार में पानी नहीं पड़ता। अब ये है हींग, गरम मसाला, लाल मिर्च, जो कि लाल मिर्च जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, नमक, अचार में डालना एक आर्ट है, क्योंकि नमक अगर कम पड़ जाए तो अचार खराब हो जाता है, इसलिए अचार पड़ने के बाद भी नमक टेस्ट किया जाता है, हल्दी और कड़वा तेल। कड़वा तेल हमने पहले गरम कर लिया, बहुत ज्यादा गरम नहीं किया, गरम करके अब ठंडा कर लिया है तो कड़वा तेल भी पड़ेगा। ये जो हींग है ये हम बर्तन में भी लगाएंगे और अचार के बीच भी डालेंगे। अचार बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है, मैंने कढ़ाई में अब चढ़ा दिया है थोड़ा सा कड़वा तेल, अब इस कड़वे तेल में मैं थोड़ी हींग छौंक दूंगी। हींग छौंकने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लहसुन, लहसुन जितनी सब्जी है उसके हिसाब से पड़ना चाहिए। एक बात याद रखिए कि हर चीज की मिकदार आपके अंदाज के हिसाब से रहेगी। अब मैंने लहसुन डाल दिया है और ये लहसुन अब मैं अच्छी तरह पकाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाना चाहिए, अगर इसके अंदर का पानी रह गया तो अचार खराब हो जाएगा। अब ये लहसुन पक चुका है और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गुड़। अब देखिए सर्दियां हैं
और सर्दियों में गुड़ गर्मी देता है, लहसुन गर्मी देता है, और ये अचार जिसमें कई लोग अदरक भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, मैं हक में नहीं, प्याज और अदरक, मैं अदरक बाद में डालती हूँ, और जो प्याज है उससे अचार जल्दी खराब हो जाता है इसलिए मैं वो नहीं डालती, और कई लोग अपनी अपनी तरीके से इसको पकाते हैं, लेकिन ये है काम नहीं करना का तरीका। तो मैंने इसमें डाल दिया है गुड़, और अब गुड़ हो रहा है एकदम लप लप, और लप लप जब तक गुड़ नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये अचार कैसे डालूंगी। पक रहा है गुड़, हो रहा है लप लप, मैं गुड़ को कर रही हूँ लप लप, लप लप हो जाएगा जैसे ही गुड़, मैं इसमें मिक्स कर डालूंगी सब कुछ। अब गुड़ भी पक गया है, गुड़ हो गया है लाल लप लप, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और मैं देसी तरीके से अपने किचन में बैठ गई हूँ। मैं बैठ के सारी सब्जियां एक पतीले में डालूंगी, उसमें मसाले डालूंगी, उसमें ये गुड़ और लहसुन डालूंगी, उसको हिलाऊंगी, और तो इसको बर्नी में, बयाम बोलते हैं उसको पंजाब में, उसमें भरूंगी, उस पर सफेद कपड़ा बांधूंगी। अरे देखिए ना, हाथ कंगन को आसी क्या। मैंने ये सारी सब्जियां डाल दी है पतीले में। पतीले में डालने के बाद में मैंने उसमें छोड़ दिया है अदरक, अचार खराब ना हो इसलिए मैंने उसमें डाल दिया है हींग एक चम्मच। उसके बाद मैंने उसमें डाल दी है ये पीली राई, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये लाल मिर्च, मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला, अब इसमें ऐड कर दी है मैंने ये हल्दी। हल्दी डालने से भी अचार खराब नहीं होता। और अब इसमें ये नमक डालने जा रही हूं मैं। अब नमक इतना होना चाहिए ये अचार खराब ना हो और साथ में अचार का टेस्ट भी बराबर आए। अब ये जो गुड़ और लहसुन तैयार हुआ है ये मैं अचार में पलट दूंगी। ये सब होने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये गरम किया हुआ तेल जो कि अब ठंडा हो चुका है। और अब मैं इस अचार को, जरा नजदीक लाइए कैमरा, दिखाइए अच्छे से पब्लिक को, इस तरह मिक्स करूंगी। देखिए तो क्या शक्ल बनी है मेरे अचार की, खाने में भी बड़ा टेस्टी होगा। कमाना खाना की रसोई में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम एकदम टिपिकल खाना नहीं बनाते। लोगों को लगता है कि हमने ये छोड़ दिया, हमने ये नहीं डाला, हमने वो नहीं डाला। जी, हमने अपने हिसाब से बहुत कुछ ट्राई किया है और जो अच्छा लगता है हम वही डालते हैं। तो अब मैंने अपने इस बड़े से पतीले में इसको, अचार को मिक्स कर दिया है। तो अब अचार तैयार है बर्नी के मुंह में जाने के लिए, और बर्नी मैंने सफेद कांच की ले ली है, बड़ी सुंदर सी बर्नी है। तो अब मैंने अचार को बर्नी में भर दिया है और मैंने इसकी इज्जत को ढांक दिया है इस सफेद कपड़े से। साथ में अब इसको मैं बांध दूंगी और इसको मैं धूप में रखूंगी। याद रखिए, अचार खराब हो जाता है अगर धूप में ना रखो तो आपको अचार को
बार बार धूप दिखानी होती है आपको, अचार को बार बार धूप दिखा के जैसे ही सुबह धूप आए उसको रेडी करना होता है, फिर जैसे ही दोपहर के बाद धूप ढल जाए उसको अचार को उठा लेना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। अब ये जो लाहौरी अचार है ये आप खा सकते हैं, रोटी के साथ भी ये खा सकते हैं, खाने के साथ भी, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको, टेस्ट में हेल्दी भी है, घर का बना हुआ है, गला भी खराब नहीं होगा और साथ में आपको इससे टेस्ट भी आएगा। मेरे घर में तो बहुत बच्चे खाते हैं इसको और आप भी खा के देखिए, बहुत अच्छा है। मैं रेडी हूँ लाहौरी अचार के साथ में, लाहौरी अचार जो कि मेरी अपनी तरीके का है, कमाना खाना के तरीके का है, इसको खा के देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा। और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये चैनल, मेरे ये सारे वीडियोस, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, जब आप बेल बटन को क्लिक करेंगे तो इस चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। कमाना खाना की ओर से मैं कामिनी खाना सिखा रही थी, लाहौर के चार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।